प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, थर्ड वर्ल्ड एंड यूएसए, थर्ड वर्ल्ड एंड यूएसए, तीसरी दुनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी दुनिया के देशों में जो विविधताएं पाई जाती है, जो भिन्नताएं पाई जाती है, उन बिंदुओं पर, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि तीसरी दुनिया के देशों का अर्थ, परिभाषाएं और इस शब्दावली को समझने का प्रयास पिछले वीडियो में हमने किया था, पिछले क्लास में किया था, और उसके बाद इनके कुछ विशेषताओं का जिक्र भी हमने किया था। तीसरी दुनिया का अगर हम भौगोलिक दृष्टि से इसको थोड़ा सा एक मापन करना चाहें तो देखेंगे कि करीब करीब यूरोप को छोड़ दिया जाए, करीब करीब यूरोप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी दुनिया में, बाकी सारे महाद्वीपों में इनकी भौगोलिक उपस्थिति पाई जाती है। एशिया में भी, अफ्रीका महाद्वीप में भी, लैटिन अमेरिकी देश भी, बहुत सारे जगहों पर जो है इनकी भौगोलिक रूप से उपस्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि भौगोलिक विविधताएं तो इनमें निश्चित रूप से पाई जाएंगी ही, चाहे वो जनसंख्यिकीय दृष्टि से हो, चाहे वो रिसोर्सेज के रूप में हो, चाहे वह सामाजिक रूप और सांस्कृतिक रूप में हो, और फिर अगर भौतिक व्यवस्थाओं के रूप में हम देखें तो आर्थिक विविधताएं और राजनीतिक जो विविधताएं हैं वह भी इनमें महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित की जा सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी विविधता है वो सबसे पहले हम रिसोर्सेज के रूप में, संसाधनों के रूप में इनकी विविधताओं की बात करेंगे। संसाधनों के रूप में विविधता, संसाधनों के रूप में विविधता, संसाधन यहाँ पर विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, संसाधनों के रूप में विविधता। संसाधनों की दृष्टि से सभी तीसरी दुनिया के राष्ट्र बराबर नहीं हैं और काफ़ी विभिन्नता इनमें पाई जाती है। उदाहरण के लिए सूडान के पास विकास हेतु संसाधन काफ़ी कम हैं, जबकि नाइजीरिया के पास काफ़ी अधिक संसाधन मौजूद हैं। संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, जैवीय संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन है, जो आप भूगोल में पढ़ते हैं। तो संसाधनों के रूप में इन देशों में काफ़ी विविधता पाई जाती है। दूसरी जो इनकी विविधता है वो जनसंख्या का दृष्टिकोण है, जनसंख्या के दृष्टिकोण या जनसंख्या के रूप में विविधता का पाया जाना, जनसंख्या के रूप में भी विविधता पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कहीं पर जनघनत्व बहुत अधिक मात्रा में है तो कहीं पर जनघनत्व अति न्यून मात्रा में है, कहीं पर ओवरऑल जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर ओवरऑल जनसंख्या बहुत कम है, कहीं पर क्षेत्रीय रूप में जो डेमोग्राफिक जो स्टेटस है क्षेत्रीय रूप में छितराया हुआ है तो कहीं पर बहुत ही डेंस रूप में, बहुत ही घनीभूत रूप में पाया जाता है। कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है, जैसे जावा में जो इंडोनेशिया में है, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की एक तिहाई जनसंख्या पाई जाती है, जबकि तेल उत्पादक देश लीबिया में जनसंख्या काफ़ी कम है। कुछ देशों में शहरी जनसंख्या काफ़ी है जबकि अधिकांश देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है या उत्पादन या रोजगार के दृष्टिकोण से भी इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ देश भूमि की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं, जैसे भारत है, ब्राज़ील है, जबकि कुछ देश बहुत छोटे हैं जैसे मालदीव है, लेबनान है, ये बहुत छोटे देश हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विविधता इन देशों में पाई जाती है। तीसरी जो विविधता है वो जातीय रूप से है, रेसिकल रूप से विविधता इनमें पाई जाती है, जातीय रूप में विविधता पाई जाती है। तीसरी दुनिया के देश जातीय समूह की दृष्टि से भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। चिली जैसे कुछ देशों में समरूप समाज, होमोजीनस पॉपुलेशन पाया जाता है, होमोजीनस पॉपुलेशन पाया जाता है, जिसका जो स्वरूप है, सामाजिक जो संगठन है वो भिन्न नहीं है, होमोजीनस टाइप उसको कहा गया है।
जबकि अन्य देशों में दो तीन जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो रेसिकल ग्रुप हैं, वो पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो देश हैं नाइजीरिया, और उसमें गृह युद्ध पाया जाता है। सूडान में भी ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। इसके अलावा भारत में भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो होमोजेनस जहाँ सोसाइटीज़ होती है वहाँ गृह युद्ध की स्थितियाँ नहीं हैं, जबकि जहाँ पर होमोजेनस सोसाइटीज़ नहीं है वहाँ पर गृह युद्ध आम बात है, जैसा कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुतायत से देखा जाता है। नेक्स्ट जो विविधता है वो है राजनीतिक विरासत या राजनीतिक विरासत के रूप में। राजनीतिक विरासत के रूप में विविधता पाई जाती है। तीसरी दुनिया के राज्यों में राजनीतिक इतिहास में भिन्नता पाई जाती है। कुछ देशों में अभी तक जो उपनिवेश थे, जबकि कुछ देशों में कभी भी विदेशी प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ, जैसे कि थाईलैंड कभी भी विदेशी प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ। केन्या, नैरोबी जैसे देशों में अभी तक भी उपनिवेशवाद पाया जाता था। कुछ देश काफ़ी पुराने हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पुराना है। उदाहरण के लिए ईरान, ईरान का राजनीतिक जो विरासत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी प्राचीन है। कुछ देश उपनिवेशवादी शक्तियों की उपज हैं, जैसे नाइजीरिया, तो कुछ देश भूतपूर्व पृथक राज्यों से मिलकर वर्तमान में संघ रूप में अस्तित्व में आए हैं, जैसे कि मलेशिया। तो राजनीतिक विरासत के रूप में भी इनमें विविधता पाई जाती हैं। राजनीतिक रूप से भी ये एक नहीं कहे जा सकते हैं। आधुनिक और पारंपरिक जो संस्कृति है उसके आधार पर भी इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आधुनिक एवं पारंपरिक विविधता, आधुनिक और पारंपरिक जो विविधता है, तीसरी दुनिया के कुछ देशों में आज भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान हैं, राजनीतिक चेतना का अभाव है और वे पुरातन ग्रामीण धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में परंपरागत व्यवस्था को आधुनिक अभिजन द्वारा चुनौती दी जा रही है, शासन में जन सहभागिता में वृद्धि हो रही है और पुरातन समाज व्यवस्था ढह रही है, पुरातन समाज व्यवस्था समापन के कगार पर है। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है, लेकिन साक्षरता की जो स्थितियां हैं वो सभी में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं इसके अलावा शासन संबंधी भिन्नता, तीसरी दुनिया के देशों में कहीं पर परंपरागत जो अभिजनवाद हैं, शासन संबंधी भिन्नता में कहीं पर परंपरागत अभिजनवाद है, इलिट ग्रुप है, ट्रेडिशनल जो इलिट ग्रुप है वो रूलिंग कर रहा है, रूलिंग इलाइट है, कहीं पर राजतंत्र है, मोनार्कीज हैं, कहीं पर निर्वाचित इलेक्टेड रेजिम्स हैं, निर्वाचित सरकारें हैं, तो कहीं पर पश्चिमी प्रतिमान की सरकारें, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल की सरकारें हैं, तो कहीं पर सैन्य शासन या मिलिट्री शासन पाए जाते हैं। तो ये शासन संबंधी भिन्नताएं इन तीसरी दुनिया के राज्यों में पाई जाती हैं। इसके अलावा आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था भी की संबंधी भी भिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं। आर्थिक व्यवस्था संबंधी भिन्नता,
आर्थिक व्यवस्था, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हैं, संसाधनों के दृष्टिकोण से हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हैं, उस प्रकार भौतिक रूप में आर्थिक और शासन और राजनीतिक संबंधी भिन्नताएँ इन राष्ट्रों में पाई जाती हैं। तो आर्थिक व्यवस्था तीसरी विश्व के दुनिया में काफ़ी अंतर हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें पाए जाते हैं। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था जैसे चिली उदाहरण के रूप में लेवें तो उसकी पूर्ण अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात पर निर्भर करती हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में इतने रिच राष्ट्र नहीं हैं, तो आयात निर्यात ही महत्वपूर्ण आर्थिक कारक हैं। कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, विदेशी व्यापार इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ के आर्थिक संसाधन मुख्यतः कृषि आधारित और अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था तीसरे और चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो अब पूर्ण रूप से नकारा तो नहीं जा सकता विदेशी व्यापार को, लेकिन ज़्यादातर मामला कृषि से जुड़ा हुआ होने के कारण से इतना उसका हिस्सा यहाँ पर नहीं है। कुछ देशों के लोगों की आय में भारी अंतर पाया जाता है। कुछ देशों में समाज पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, जैसे कि श्रीलंका, तो कुछ देशों में समाज मोटे रूप से औद्योगिक हैं, जैसे दक्षिण कोरिया। कुछ देशों में अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया है, जैसे कि अफगानिस्तान। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हो रही है, जैसे कि भारत और ब्राज़ील। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्व मौजूद हैं, जैसे कि अर्जेंटीना। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था समाजवादी ढांचे पर आधारित है, जैसे कि वियतनाम। तो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के लिए कोई जनरलाइज जो आर्थिक ढांचा है, जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम कोई जनरलाइज्ड रूल नहीं बना सकते हैं कि इस प्रकार का आर्थिक ढांचा या आर्थिक व्यवस्था इन राष्ट्रों में सर्वाइव हो रही है। ऐसा कोई विशेष ढांचा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसके संबंधों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।